हे hey, हेलो, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो यहाँ आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स, भूमि सुधार विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एलआरसी विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि अब भूमि सुधार विभाग यानी एलआरसी में बेल्टोन डीओ डाटा इंटरप्रेटर की जो नियुक्ति होती थी, वह अब नियुक्ति किसी भी बाहरी एजेंसी के माध्यम से नहीं होगी। ठीक है, तो आपके मन में सवाल होगा, क्या बेल्टोन के डीओ को भी नहीं लिया जाएगा एलआरसी में? तो चलिए जान लेते हैं। बेल्टोन और संविदाकर्मी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर कटिंग के माध्यम से क्या क्या उसमें साफ साफ कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के अच्छी तरह सुना देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। इसमें भूमि सुधार विभाग जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले बार जो डाटा इंटरप्रेटर था वह सही से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इसमें विभाग का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, उठाना पड़ा है। इसलिए मंत्री जी का बड़ा ऐलान है कि अब जो है एलआरसी में डीओ का जो नियुक्ति होगा वो अब किसी बाहरी विभाग एजेंसी के माध्यम से नहीं की जाएगी। किसी विभाग या बाहरी एजेंसी के माध्यम से अब जो है डाटा इंटरप्रेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, क्या है कुछ इसमें लिखा हुआ मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावित हो रहा है अभियान, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर की जमाबंदी में सुधार में देरी की मुख्य वजह से एक संसाधनों की कमी भी है। कई अपर सहकर्ता का कहना है कि इस प्रक्रिया के लिए सभी डाटा इंटरप्रेटर को डिजी लाइसेंस हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। कुछ अंचलों में एक भी डाटा इंटरप्रेटर उपलब्ध नहीं होने के बाद सामने आई है। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए व्यवस्था दी है। जिन अंचलों में ऑपरेटर नहीं है, ऐसे अंचलों में एक ऑपरेटर उस अंचलों में प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बाहरी ऑपरेटर नहीं करेंगे जमाबंदी पंजी में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दस्तावेज में किसी भी तरह की फिर से गड़बड़ी न हो, इसके लिए किसी भी विभाग या एजेंसी के कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा नहीं ली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड्स, यानी किसी विभाग या एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं ली जाएगी। पिछली बार विशेष अभियान चलाया गया था जहाँ में पाया गया था कि सुधार के लिए नियुक्ति किए गए ऑपरेटर पर गलती की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कहना है कि सभी जिले के सभी अंचलाधिकारी या सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में डिजी लाइसेंस जमाबंदी के सुधार में अन्य कार्यालय एवं बाहरी कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य नहीं ले जाएंगे। यानी इसका मतलब कि बाहरी ऑपरेटर जो होते हैं उसको नहीं ले जाएंगे जमाबंदी कार्य के लिए ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मंत्री ये कहना है इसमें बेल्टोन का बात नहीं किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, एजेंसी बेल्टोन एजेंसी नहीं, बिहार सरकार का उपक्रम है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे क्या कहा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर जो होते हैं वो सिर्फ बेल्टोन से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिहार सरकार का ऐलान है और यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ पे अब काम करेंगे बिहार में ऑपरेटर के रूप में, वो सिर्फ बेल्टोन के ही ऑपरेटर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो कहा गया है बाहरी कार्यालय या और बाहरी एजेंसी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उर्मिला हो या वैष्णवी हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे विभागों में लोग काम कर रहे हैं जो घूसखोरी या पैसे देकर घुस गए होंगे। तो उन लोगों को यहाँ पे सरकार कह रही है कि बाहरी लोगों से यहाँ पे काम नहीं किया जाए। ठीक है, जिससे काम में बहुत परेशानी होती है और यहाँ पे उन लोगों के द्वारा गड़बड़ी की जाती है और विभाग को ये झेलना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अब जो है नियुक्ति बेल्टोन के माध्यम से होगी, बेल्टोन एजेंसी नहीं है, बेल्टोन बिहार सरकार का उपक्रम है। हो सकता है कि उर्मिला के थ्रू ना करवाए या बेल्टोन खुद करवाएगी, तो इसमें आप लोगों का बेनिफिट है क्योंकि बेल्टोन जो है उर्मिला को
सिर्फ ईएसआई और पीएफ को मेंटेन करने के लिए रखी है, और जो बेल्टों के 10% का जो कार्य होता है वो उर्मिला संभालती है। आपको ही फायदा होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आप लोग टेंशन की बात नहीं है, इसमें आप कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बाहरी एजेंसी या किसी बाहरी खरीदा से, ठीक है। तो बेल्टन शेयर है, बेल्टन उपक्रम है बिहार सरकार का, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप ये लेटर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।